अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चे, कैसे हैं? आज हमारे पास 8th क्लास के मैथ का एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। हमारे पास के सॉल्व द क्वेश्चन, सॉल्व। तो हमारे पास देखिए बच्चे, हम इनको एक फार्मूले के तहत सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चन को। फार्मूला हमारे पास कौन सा है बच्चे? फार्मूला है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो जब हमारे पास इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको हम लिखते हैं बच्चे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यानी उसी चीज़ को हम, जब इस फॉर्म में हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको हम एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं। तो आओ इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। ये 9 जो है ना, 3 का स्क्वेयर है हमारे पास बच्चे, ये एक्स है, ये स्क्वायर है। तो ये इसी शक्ल दे रहा है, इसी क्वेश्चन, इसी फार्मूले की शक्ल दे रहा है ना बेटा। तो इसी वजह से इसको हम एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, 3 माइनस x इंटू 3 प्लस x, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया बच्चों। तो इसीलिए इसको करते हैं हम। तो ये हमारे पास 4a का स्क्वायर हो गया बच्चों, ये माइनस 20 का स्क्वायर हो गया। तो ये भी यही फार्मूले के तहत होगा बच्चों, 4a माइनस 20b, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा 4a प्लस 20b बच्चों। तो बेटा यहाँ से हम, सबसे पहली बात तो ये है कि 5x जो है ना हमारे पास कॉमन है, यहाँ x² माइनस 9। तो बच्चों देखो, हमारे पास ये जो है ना, इसको हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। 5x इंटू ये हमारे पास होता है बच्चों x², ये -3 का स्क्वायर। तो इसको, इसी चीज़ को हम एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लेंगे। 5x इंटू x-3 इंटू x+3 बच्चे, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया बेटा। तो बच्चों आओ इसको करते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास देखें, इसका हम कंप्लीट स्क्वायर लेते हैं x-9/5, उसका स्क्वायर माइनस ये 6/5 जो है उसका स्क्वायर। तो इसी चीज़ को हम एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं बच्चे। कैसे लिखेंगे, x-9/5 6/5 इंटू है ये, तो ये हो गया एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, x-9/5 -6/5 इंटू वाई, इसका ये हमारे पास आंसर है जो। और 8th क्लास वाले, आज का टॉपिक जो है ना, आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो बच्चों हमारे पास इस तरह से है कि अगर कोई भी बात आप लोगों को समझ नहीं आ रही बेटा, तो आप ज़्यादा मुझसे पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आज हमने 6.5 के पहले कोई 4 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। तो सारे क्वेश्चन जो है ना ऐसे हैं, तो मज़ीद इनके जो क्वेश्चन बच रहे हैं उनको इंशाल्लाह हम बहुत जल्द बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे और समझेंगे। थैंक यू बेटा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।